हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फ्लिपकार्ट का सेल शुरू हो चुका है प्लस मेंबरशिप के लिए। जो लोग फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर है उन लोगों के लिए आज से शुरू हो चुका है, अगस्त से शुरू हो चुका है सेल। और जो प्लस मेंबरशिप नहीं है जिनका, उनका कल से शुरू हो जाएगा। तो अभी देख सकते हो सेल इस लाइव दिखा रहे हैं। तो अभी मैं आपको प्राइस दिखा रहा था, क्या क्या मेरे को प्राइस देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि आईफोन वगैरह में कोई सेल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने फ्लिपकार्ट में कोई बोला नहीं कि आईफोन के ऊपर आपको सेल मिलेगा। तो जैसे देख सकते हो आईफोन XR की प्राइस आपको 39 में मिल रही है। तो मतलब कोई सेल नहीं है, सिर्फ दो दिन पहले जो सेल आया था उसमें 38 का मिल रहा था, तो वो ज़्यादा बढ़िया था। तो 39 का मिल रहा है XR। आईफोन SE में कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है आपको, ये सेम ऐसे ही है। और आईफोन 11 में आप लोग देख सकते हो 49 का मिल रहा है ये। तभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका मतलब ये प्लस मेंबर के लिए। यही आपको कल दिखेगा, यही सेल, यही प्राइस आपको कल दिखेगा जिन लोगों का प्लस मेंबरशिप नहीं है। तो देख सकते हो इसका कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया। मालूम था कि ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने दो दिन पहले ही सेल दिया था, फिर अभी इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे। तो आप लोग को मैंने बोला था पहले भी, पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोग आईफोन अगर लेने वाले आईफोन 11 अभी मत लो, अभी थोड़ा सा वेट कर लो आईफोन 11 और XR को मत लो, क्योंकि इसका प्राइस कोई ड्रॉप ज़्यादा नहीं पड़ी। तो देख सकते हो इतना महंगा देकर लेना का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप लोग थोड़ी दो महीने तक वेट कर लो, फिर आपका जो आईफोन 13 आएगा तो उसके बाद आपको अच्छी खासी ड्रॉप देखने को मिल जाएगी इन दोनों फ़ोन में। तो आप लोग वेट कर लो अगर कर सकते हो तो। लेकिन अगर आपको इस प्राइस में लेना है तो मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है। तो अगर ले सक अगर आपको लेना है तो ले सकते, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अगर आप लोगों को पावर अडेप्टर और एयरपोर्ट भी चाहिए तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें इंक्लूड है पावर अडेप्टर और एयरपोर्ट। तो आप लोग ये वाला ले सकते हो 39 में। विदाउट पावर अडेप्टर एयरपोर्ट तो मत ही लेना, जैसे कि ये देख लो ये दे रहा है विदाउट पावर अडेप्टर, तो ये मत ही लेना। उससे अच्छा आप लोग ये देख सकते हो, सेम प्राइस है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इसको आपको एयरपोर्ट और अडेप्टर मिल रहा है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा आप लोग दो महीने वेट कर दो। सेप्टेम्बर के बाद न्यू फ़ोन जब आईफोन 13 आएगा तो आपको अच्छी खासी डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको जब दिवाली के टाइम जो सेल आती है उसमें आईफोन बहुत ही बढ़िया प्राइस में, बहुत ही बढ़िया ड्रॉप मिलेगा आपको प्राइस में, तो आप लोग वेट कर लेना। तो ये था प्लस मेंबरशिप के लिए कोई छोटा सा अपडेट दे दिया मैंने आप लोगों को, यही प्राइस होने वाला है आपको। तो देख सकते हो अभी मैं बाकी फ़ोनों का दिखाऊँ तो रेडमी 9 11,000 का मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो बाकी फ़ोनों का, तो मैंने मेन आईफोन का बता दिया। आईफोन का कोई प्राइस ड्रॉप देखने को, ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिला, तो कोई मतलब नहीं है अभी ख़रीदने का। तो आप लोग दो महीना वेट कर लो, फिर आपको दिवाली तक अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कभी बीच में कभी इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी प्राइस ड्रॉप कर देते अचानक से, तो अगर कभी भी बीच में कभी भी आईफोन के ऊपर या फिर कोई बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर प्राइस ड्रॉप आती है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे अपडेट पाने के लिए, और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर जरूर लाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।